जो कैबिनेट से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है। जी हां, बिहार कैबिनेट से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लग सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चल रही ये बैठक इस कारण भी खास है क्योंकि किसानों को सरकार से राहत की उम्मीद है। शिक्षकों से जुड़ी समस्याएं चुनौती का कारण बनी रही है। सर्वे को लेकर भी आज कोर्ट का फैसला आने वाला है। तो तमाम चीजें हैं जिस पर सरकार की नजर बनी हुई है और ऐसे में जनहित से जुड़े कार्य, जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने हैं। तो क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है सहयोगी सनी से जानते हैं। सनी, बिहार में मौसम की मार है, सरकार से जुड़े मामले कोर्ट में चल रहे हैं, काफी कुछ हलचल चल रही है और इस बीच कैबिनेट का ये बैठक भी चल रहा है, क्या कुछ संभावनाएं दिख रही है, क्या महत्वपूर्ण प्रस्ताव हो सकते हैं? जी देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 11:30 बजे से शुरू हो चुकी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है, पिछली कैबिनेट की बैठक में कृषि विभाग से जुड़े हुए कई अहम प्रस्ताव पारित हुए थे, तो इस बार भी कयास लगाए जा रहे हैं। सरकार ने आकलन की बात कही थी कि सुखाड़ क्षेत्रों का आकलन किया जाए, तो हो सकता है इसको लेकर आज कुछ किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया जाए। दरअसल एक सप्ताह का वक्त बीत चुका है, तो नीतीश कैबिनेट की जो बैठक चल रही है इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा हो सकता है। इसके अलावा शिक्षा, रोजगार, सड़क निर्माण, भवन निर्माण सहित कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लग सकती है। हालांकि इंतजार करना होगा सीएम की। जी चलिए सनी, नजर बनाए रखें, फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है और खास तौर पर किसान जो मौसम की मार झेल रहे हैं, आधा बिहार बाढ़ का शिकार होता दिख रहा है, तो बिहार के आधे हिस्से में अल्प वर्षा परेशानी का कारण है। तो ऐसे में पूरे बिहार की जनता सरकार से महत्वपूर्ण